अस्सलाम वालेकुम माय ब्यूटी फैमिली। सो कैसे आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। आप सब की दुआओं से अल्हम्दुलिल्लाह हम सब भी बिल्कुल ठीक है। तो आज हम बनाने जा रहे हैं कलेजी। तो आप देख सकते हैं ये रहे हमारे इंग्रेडिएंट्स, प्याज, टमाटर, मिर्च, कलेजी, और ये रहा हमारा तेल। ये तेल 2 चम्मच है। और अब अपन तेल गरम करेंगे, फिर गरम मसाले डालेंगे खड़े। ये अपने गरम मसाले डल गए हैं, ये देख सकते हैं आप लोग हो रहे हैं अभी। अब अपन अपनी प्याज डालेंगे जो काट के रखी थी हमने। ये 2 बड़े साइज़ की प्याज ली थी, उसको कट किया था। प्याज तल रही है अपनी अभी। ये हमने कसूरी मेथी भी डाल दी प्याज के साथ ही, और प्याज अपनी गोल्डन हो गई है अब। तो अपन प्याज को निकाल लेंगे, फिर प्याज को मिक्सर में पीसेंगे ताकि वो पेस्ट में हो जाए। ये अपन ने प्याज निकाल ली है, आप लोग देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, अपन ना थोड़ी सी प्याज छोड़ेंगे ताकि उसमें अपन कलेजी तल लें। तो ये हमने कलेजी भी डाल दी, अच्छे से वॉश कर ली थी हमने कलेजी। और ये कलेजी को अपन अच्छे से तलेंगे, इसमें नमक डाल देंगे ताकि कलेजी अच्छे से गल जाए, उसके अंदर नमक भी बैठ जाए। हल्दी डाल देंगे, हल्दी थोड़ी सी ज़्यादा डलती है कलेजी में। देखिए, अब ये अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे अपन। नमक भी डाल दिया। अब ये टमाटर, मिर्च, हरा धनिया जो है इसको अपन जार में डाल देंगे और उसको पीस के फिर डालेंगे अपन। और इसके अंदर वो जो अपन ने प्याज निकाली थी वो भी डाल देंगे, तो ये पेस्ट में कन्वर्ट हो जाएगा। सो अपनी ये भी अच्छे से तल गई है। अपन थोड़ा सा पानी डाल देंगे कि गल जाए। अब अपन पेस्ट पीस लेंगे, फिर थोड़ी देर बाद पेस्ट डालेंगे इसके अंदर। अभी तो कलेजी गल रही है, फ्लेम थोड़ी हाई रखेंगे अभी अपन, हाई टू मीडियम। और ढक देंगे अपन इसको। देखिए अब आप, और अब अपन ने जो पेस्ट बनाया था वो डाल दिया है, ये देखिए। अब इसको अच्छे से मिक्स कर देंगे और फिर से कवर कर देंगे। ये अपना सालन भुन रहा है अभी। अच्छे से भून लेंगे सालन को फिर, और जब अच्छे से भुन जाएगा तो अपन कवर करके ऊपर फ्लेम ऑफ कर देंगे। अपनी कलेजी रेडी है, देख सकते हैं आप लोग। तेल भी ऊपर आ गया है और देखिए कितनी मज़ेदार लग रही है, बहुत ही जायकेदार लगती है। आप लोग प्लीज़ ट्राई करें, इसको घर पे बनाएं और फिर हमें कमेंट बॉक्स में बताएं कि कैसी लग रही, कैसी बनी थी आपकी, कैसी लगी आप लोगों को। बहुत ही जायकेदार बनी थी।